नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। बिग बॉस सीजन 17 फेम आयशा खान का करियर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बिग बॉस से आने के बाद आयशा खान की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उन्हें एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिल रहा है। वो विश सेन की फिल्म गैंग्स ऑफ गोदावरी में एक गाना गा रही हैं। अब आयशा खान एक और तेलुगु फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हैं। इस तेलुगु फिल्म में दुलकर सलमान नज़र आने वाले हैं। दुलकर सलमान सिर्फ साउथ सिनेमा पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फिल्में करते हैं। उनके करियर में महानती और सीता रामम स्टार की दो सबसे बड़ी हिट फिल्में दुलकर सलमान की इस नई फिल्म का नाम लकी भास्कर है, जिसका हिस्सा आयशा खान भी है। आयशा खान का तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एक मजबूत फैन बेस है। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कहा था कि उन्हें फिल्मों और शो में बड़ा नाम कमाने के लिए अभिनव कौशल है। रिपोर्ट के मुताबिक आयशा खान ने कहा कि वो हर प्रोजेक्ट के साथ खुद को एक अभिनेत्री के रूप में आगे बढ़ाने की उम्मीद करती हैं। आयशा खान ने कहा कि जब कोई दुलकर सलमान जैसे लोगों के साथ काम करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अभिनय कौशल और कला की वो पिछले कुछ समय से प्रशंसा करती रही हैं। आयशा खान ने ये भी कहा कि वो पूरे दिल से उनका समर्थन करने के लिए तेलुगु भाषी क्षेत्र के अपने फैन बेस की आभारी हैं। अभिनेत्री ने कहा कि लकी भास्कर का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। आयशा ने अपनी इंस्टा स्टोरी भी लकी भास्कर का हिस्सा बनने की खुशी जताई है। बता दें कि दुलकर सलमान ने कुछ दिन पहले ही लकी भास्कर का पोस्टर शेयर किया था। इस पोस्टर में फैंस उन्हें बिल्कुल नए लुक में देखा जा सकता है। इस फिल्म को वो वेंकी एगुलेटरी बना रहे हैं। दक्षिण भारत की न्यू सेंस मीनाक्षी चौधरी फिल्म की एक्ट्रेस है। आयशा खान ने बिग बॉस 17 में तब हलचल मचा दी थी जब उन्होंने बताया था कि कैसे मुनव्वर फारूकी ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुनव्वर फारूकी और वो लिविंग रिलेशन में रहते थे और स्टैंड अप कॉमेडियन नाजिला शितासी के संपर्क में भी थे। वो टू टाइमिंग भी कर रहे थे। फारूकी को लेकर आयशा खान के खुलासे बिग बॉस के सीजन में मुख्य आकर्षणों में से एक थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।